नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है और कोई मेडिसिन अगर काम नहीं करती भी दिखाई देती है, यानी कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी फिजिशियंस होम्योपैथिक फिजिशियन के पास और वहाँ पर भी हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हमें 2 से 3 महीने हो चुके हैं फिर भी हमें कोई असर नहीं दिख रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इवन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद ही ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, राइज़ होता है। क्या कारण होते हैं इनके पीछे? और जब कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तो हम इस मेडिसिन को यूज़ करके हम हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल आसानी से डिक्रीज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, क्या रीज़न होते हैं इसके पीछे, और जब होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करता या कोई मोड ऑफ ट्रीटमेंट जब आप ले रहे हो तब भी वो इतना रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जितना आपको रिक्वायरमेंट है, तो इस स्थिति में हम इस मेडिसिन का यूज़ करके उस ट्रीटमेंट को उस लेवल तक ला सकते हैं जहाँ पर हमें रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जो आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट से ब्लड सप्लाई हो रहा है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, और वो हो रहा है आर्टरीज़ के थ्रू, यानी कि शिराओं के थ्रू, जहाँ साफ खून हमारे शरीर के हर टिश्यू हर ऑर्गन तक पहुँच रहा है। जब हम ज़्यादा एक्सेसिव फूड, फैटी फूड, फास्ट फूड और हमारी लाइफ स्टाइल अगर हम बैलेंस में नहीं रखते हैं उसे, और एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। लीवर का ये काम है कि वो फैट डिपोजिशन या फैट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फैट को डिपॉजिट करना है, फैट को जो तो बाहर निकालना है, तो लीवर क्या करता है, फैट डिपॉजिशन शुरू कर देता है। अब वो फैट जो होती है हमारे स्किन के नीचे सबसे पहले डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो हमारा वेट, हमारे अंदर जो था वेट गेन के असर दिखने लगते हैं, यहाँ पर चर्बी दिखने लगती है नेक के आसपास, और ये जब एक्सेसिव होते होते जब ज़्यादा ही हो जाती है तो ये क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई हमारे हर टिश्यू के अंदर हो रही है वहाँ की आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होगी तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, और जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा, अगर वो आर्टरीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से, वो फैट टिश्यूज़ जो होंगे वो आर्टरीज़ के अंदर जमना शुरू हो जाएंगे, तो ब्लड क्या होता है कि प्रेशर से बहता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको हमारे हर टिश्यू तक पहुँचाने के लिए, और वो जब प्रेशर से बहने लगेगा तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और जब हम एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए, तो वहाँ दुर्भाग्यवश हमें यह सलाह दी जाती है कि आप ये मेडिसिन लीजिए, आप इसको लाइफ टाइम कंटिन्यू कीजिए। क्यों वो डिपोजिशन ऑफ फैट सेल्स, क्यों वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हुआ वहाँ पर, क्या रीज़न है उसके पीछे, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हम हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं, वो नहीं सलाह दे करके हमें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए खून पतला कर दिया जाता है। हमारा खून पतला करने वाली दवाई कंटिन्यू की जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये इमरजेंसी में अगर हम यूज़ करें, किसी को अगर कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं सहूलियत हो रही है और वो इमरजेंसी में आया है, अब उसका खून पतला करना ही एक सॉल्यूशन है, तो हम उसे वो मेडिसिन दें या वो हम उसे मेडिसिनल प्रोडक्ट का यूज़ करें, तो खून पतला होने से क्या होगा कि फ़्लो आराम से हो जाएगा आर्टरीज़ के अंदर।
इसमें अगर हम उसी पे डिपेंडेंट हो जाएं तो ये हमारी मेंटल स्टेट, हमारी दिमाग की कमजोरी है कि हमें वो कह दिया गया है और हम उसे यूज़ कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज करके, हम हमारी डाइट को मेंटेन करके, या कुछ ऐसी मेडिसिन जो आयुर्वेद होम्योपैथी में अवेलेबल हैं, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में अवेलेबल हैं, उन्हें यूज़ करके हमारे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को बंद कर दें या कम कर दें, तो हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल ही बहेगा, वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो हमें ये काम करना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें ऐसा फूड लेना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज से ही जिम ज्वाइन कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करिए। आप ऐसी मेडिसिन, ऐसा डाइट लीजिए जो जिसमें फैट डिपोजिशन या फैटी की मात्रा कम से कम हो, और उसके लिए होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन है जो लहसुन से बनाई जाती है। आयुर्वेद में भी ये फॉर्मूला है कि लहसुन आप यूज़ करते हैं तो वो फैट कोलेस्ट्रॉल इनको गलाने का काम करता है, साथ ही साथ ये फर्दर ना बने, यानी कि फर्दर आपके आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट ना हो, इसके लिए लहसुन का यूज़ किया जाता है। हमारे खाने में भी इसीलिए लहसुन का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर लहसुन से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा लहसुन से ही उसका मदर टिंचर बनाया जाता है। एलियम सटाइवा क्यों? ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने, ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से सांस फूलने लगती है पर्सन में। जैसे ही वो स्टेयर चढ़ते हैं, उतरते हैं, या थोड़ा सा भी अगर उन्होंने वॉकिंग कर ली या कोई एक सीढ़ी भी चढ़ ली, तो उन्हें सांस फूलने की दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, तो सांस फूलेगी ही फूलेगी। और ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्रॉनिक कंडीशन में आ चुकी होती है। तो यहाँ पर एलियम सटाइवा, और इन्हीं की वजह से जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में, वही सारे सिम्टम्स एलियम सटाइवा क्यू के अंदर हमें मिलते हैं। सांस फूलने के साथ साथ उन्हें क्रॉनिक कफ रहती है, यानी कि खांसी बलगम के साथ रहती है। बलगम आता है, पेशेंट जो होता है वो बलगम निकालता है, फिर भी बलगम बना ही रहता है। हर तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सांस फूलना, ब्लड प्रेशर हाई रहना, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ही बन। तो हमने ये देखा है कि एलियम सटाइवा क्यू 20 से 30 बूंद के बीच में हमने दिन में 3 बार लेनी है। आधा कप गुनगुना पानी एलियम सटाइवा क्यू को 20 to 30 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार लेना है, और भूखे पेट लेना है। अब ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीने के अंदर आप में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो भी छोटे से छोटा फ़र्क दिखाई देता है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आप स्टेयर नहीं चढ़ पाते थे, अब वो सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं, आपकी सांस नहीं फूलती है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो चुका है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए और आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल बनाने के लिए। साथ ही हमें इसे लाइफ टाइम नहीं लेना है, आपका नॉर्मल हुआ आप 1.5 से 2 महीने के अंदर ही इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, आपको फैटी फूड अवॉइड करना है, आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है, एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करते रहिएगा। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।